हेलो दोस्तों, बात करते हैं देश में केमिकल इंडस्ट्री के उन 5 शेयर्स के बारे में जो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री देश की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। कई प्राइमरी सेक्टर्स जैसे ऑयल, एग्रीकल्चर एटसेट्रा केमिकल इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करते हैं। इस वीडियो में हम देश के उन 5 केमिकल इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिन्हें लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 UPL। UPL एग्रोकेमिकल सेक्टर के प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसकी मौजूदगी इंटरनेशनल लेवल पर है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर से UPL को फायदा होगा। इस ट्रेड वॉर से जहां अमेरिकी कृषि उत्पादों के दामों पर दबाव पड़ सकता है, वहीं UPL के लिए ये अच्छा है। वो अमेरिकी किसानों को UPL के उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है। UPL का 1969 में गठन हुआ था। कंपनी ने स्मॉल स्केल इकाई के तौर पर काम शुरू किया था, लेकिन आज UPL दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक एग्रो कंपनी में शामिल है। कंपनी एग्रो स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने का काम करती है। करीब 120 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। दुनिया भर में 28 फैक्ट्रिया और 1400 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इस कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले कुछ साल में 60 पैसे से बढ़कर 730 रुपए के पार पहुंच गए हैं। UPL लिमिटेड के शेयरों ने इस पीरियड में निवेशकों को 1,00,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। UPL लिमिटेड के शेयर 17 अप्रैल 2003 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में 60 पैसे के लेवल पर थे। कंपनी के शेयर 19 अप्रैल 2023 को NSE में 730 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी ने 17 अप्रैल 2003 को UPL लिमिटेड के शेयरों में 1,00,000 रुपए लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में ये पैसा 10.7 करोड़ रुपए होता। नंबर 2 टाटा केमिकल्स। केमिकल इंडस्ट्री में कंपनी की मार्केट में पकड़ मजबूत है। टाटा केमिकल लिमिटेड कांच, डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियल और केमिकल सेक्टर्स की कंपनी है। कंपनी की अपनी सहायक कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड के जरिए फसल सुरक्षा व्यवसाय में बाजार में जबरदस्त पकड़ बनी हुई है। टाटा केमिकल के पुणे और बेंगलोर में वर्ल्ड क्लास R&D फैसिलिटीज है। कंपनी इस समय प्रॉफिट में चल रही है। टाटा केमिकल का प्रॉफिट पिछले साल से मुकाबले 120% और नेट सेल्स 32.5% बढ़ी है। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा और आउटलुक बेहतर है। टाटा केमिकल्स का मार्केट कैप 24,660 करोड़ रुपए है। ये नमक बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश उत्पादक और छठी सबसे बड़ी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने वाली कंपनी है। दुनिया के बड़े ब्रांड जो ग्लास, डिटर्जेंट, दवा, बिस्कुट और बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं, वे टाटा केमिकल के बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के स्पेशलिटी केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस मटेरियल, न्यूट्रिशन साइंस और एग्रो साइंस में इस्तेमाल होते हैं। टाटा केमिकल्स लॉन्ग टर्म पीरियड में मल्टी बैगर साबित हुए हैं। बीते 5 साल में टाटा केमिकल्स का रिटर्न करीब 208% रहा है, यानी 5 साल में 1,00,000 रुपए 3,00,000 से ज्यादा हो गए। नंबर 3 PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल का बिजनेस करती है, फसल की सुरक्षा और खरपतवार की रोकथाम के लिए। इस कंपनी के कई केमिकलों की बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। इनमें से एक है नॉमिनी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड देश के लगभग हर किसान के लिए एक जाना पहचाना ब्रांड है। PI इंडस्ट्रीज लगभग 50,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है जो कमोडिटी इंडस्ट्री में सक्रिय भी है। पिछले 75 साल के दौरान कंपनी ने कई प्रतिष्ठित ब्रांड तैयार किए हैं और उसका नेटवर्क 70,000 रिटेल लोकेशन तक फैल चुका है। कंपनी को केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में तकनीक दक्षता के लिए जाना जाता है। कंपनी ने पिछले 10 सालों में जापान, चीन और जर्मनी जैसे देशों के साथ बड़े करार किए हैं। एक्सपोर्ट इनकम काफी बढ़ गई है। PI इंडस्ट्रीज ने कई ग्लोबल कंपनियों को स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के अधिकार लिए हैं। इस कंपनी का एक मजबूत नेटवर्क है। 30 देशों में 60,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर है। शुगर केन क्रॉप प्रोटेक्शन यानी गन्ना फसल की सुरक्षा के कारोबार में PI इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में कदम रखा है। भारत में गन्ने की फसल के रकबे को देखते हुए शुगर केन क्रॉप प्रोटेक्शन में PI इंडस्ट्रीज का उतरना
भी एक मोटे मुनाफे का सौदा साबित होगा। पीआई इंडस्ट्रीज के शेयरों ने अपने निवेशकों को लॉन्ग पीरियड में तगड़ा रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में इस शेयर में 2400% से ज्यादा का उछाल आया है। पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 7 जनवरी 2013 को 127 रुपए थी और 19 अप्रैल 2023 को ये बढ़कर 3116 रुपए हो गई। इस दौरान अगर किसी निवेशक ने इसमें 1,00,000 रुपए लगाए होते तो उसे आज 26,00,000 रुपए का प्रॉफिट होता। नंबर 4, धानुका एग्रीटेक। देश के दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनी धानुका एग्रीटेक कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक, AI और रोबोटिक्स और अन्य नई कृषि तकनीकों को पेश करने के लिए भी जानी जाती है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थित है। कंपनी के देश भर में 41 वेयरहाउस है और 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 80,000 डीलरों का विस्तृत नेटवर्क है। धानुका ने अमेरिका, जापान और यूरोप सहित दुनिया की लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिसके जरिए वो भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराती है। हाल ही में धानुका एग्रीटेक कंपनी ने शेयर बायबैक किया है। कंपनी शेयर बायबैक पर करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस कंपनी ने 3 साल से भी कम टाइम में निवेशकों को दोगुना से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। शेयर का भाव मार्च 2022 में 324 रुपए था, जो 19 अप्रैल 2023 को 644 रुपए के भाव बंद हुआ है। नंबर 5, रैलिस इंडिया। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल बिजनेस में है। रैलिस इंडिया पर दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने बड़ा निवेश कर रखा है। उनकी कंपनी में 9.8% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।